तुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ नमस्ते बच्चों, गजानन न जाने कितने नामों से हम इन्हें बुलाते हैं, गणपति, गणेशा, एक दंत, विनायक। बच्चों को गणेश जी का बाल रूप बड़ा अच्छा लगता है, वो उन्हें बाल गणेश के रूप में बहुत प्रसन्न करते हैं। भारत में गणेश चतुर्थी गणेश जी के जन्मदिन के रूप में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। इस दिन पूरा भारत गणपति बप्पा मोरिया के नारों से गूंज उठता है। बच्चों, गणेश जी के जन्म को लेकर एक प्रसिद्ध कहानी है। एक बार माता पार्वती मिट्टी से एक मूर्ति बना रही थी। वो मूर्ति उन्हें इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने उसमें जान डाल दी और जन्म हुआ बालक गणेश का। माता के हाथ गंदे हो गए थे, इसलिए माता पार्वती स्नान करने चली गई। लेकिन जाने से पहले वो अपने बालक गणेश को अपनी पहरेदारी के लिए रख गई। उन्होंने कहा, किसी को अंदर नहीं आने देना। बाल गणेश दरवाजे की पहरेदारी कर रहे थे, तभी वहां शंकर भगवान आए, जो कि माता पार्वती के पति थे। गणेश शंकर भगवान को नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें अंदर नहीं आने दिया और क्रोध में आके शंकर भगवान ने गणेश जी का गला काट दिया। लेकिन जब माता बहुत क्रोधित हुई तो शंकर भगवान ने एक कटे हुए हाथी के सर को उनके धड़ से जोड़ा और तभी से उनका नाम पड़ा गजानन। गजानन बुद्धि के देवता कहलाते हैं। हम बच्चों में बुद्धि प्रदान करने के लिए गजानन का आशीर्वाद मिलना बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको एक ऐसे ही बालक की कहानी सुना रही हूँ जिसने गणेश जी के आशीर्वाद से बुद्धि ली। तो हम आज की कहानी देखते हैं, गजानन और बालक गणेश। बच्चों, बहुत समय पहले की बात है, एक गांव था। उस गांव में एक घर था जिसमें एक पंडित रहता था जिसका नाम था रामानंद। रामानंद बहुत विद्वान था, बहुत सारे ग्रंथों और धर्मों का उसे ज्ञान था। गांव के लोग उससे सलाह लेने आते थे और उसका बहुत सम्मान भी करते थे और उसका आशीर्वाद भी लेते थे। रामानंद को एक पुत्र था। रामानंद गणपति का बहुत बड़ा भक्त था। वो गणपति की रोज पूजा और आराधना करता था, इसीलिए उसने अपने पुत्र का नाम भी रखा था गणेश। अपने बेटे का नाम उसने गणेश रखा था। गणेश बहुत ही मंदबुद्धि और आलसी प्रवृत्ति का था। वो ना तो पढ़ाई में दिलचस्पी लेता था और ना ही खेल कूद में उसे रुचि थी। उसका कोई दोस्त नहीं था। वो दिन भर या तो खाता था और या सोता रहता था। इसके अलावा वो कुछ नहीं करता था। एक दिन गणेश चतुर्थी का दिन था। गणपति के लिए गणेश की माँ ने मोदक बनाए थे और मोदक देखकर गणेश ने कहा, माँ मैं भी मोदक खाऊंगा। लेकिन माँ ने कहा कि पहले हम गणपति को भोग लगाएंगे। मैं मंदिर जाकर गणपति को लड्डू खिला के आती हूँ। इस पर रामानंद ने कहा कि आज गणेश गणपति को भोग लगाएगा, आज गणेश जाके गणपति जी को लड्डू खिलाएगा। गणेश ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, बाहर बहुत धूप है, गर्मी है, लड्डू मैं यहीं खाऊंगा। लेकिन
जब उसकी माँ ने समझाया कि यदि तुम गणपति को मोदक खिलाओगे तो वो तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे, तो गणेश माँ की बात मान गया और मोदक लेकर वो मंदिर की तरफ चला गया। मंदिर में जाकर उसने मोदक गणेश जी के सामने रख दिए और उनसे बोला कि आप जल्दी जल्दी ये मोदक खा लो, इनमें से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और मुझे भी भूख लगी है, तो आप ये मोदक खा लो ताकि मैं भी ये मोदक खा सकूं। गणेश ने देखा कि गणपति की मूर्ति ना तो हिली ना डुली। इस पर गणेश ने गणपति को बोला कि आपको मेरे सामने लड्डू खाने में शर्म आती है, तो चलो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, अब आप जल्दी जल्दी खा लो। बहुत देर तक गणेश ने आंखें बंद रखी, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो देखा कि मोदक वहां वैसे की वैसे ही पड़े हैं, गणपति ने नहीं खाए। इस पर गणेश ने कहा कि क्यों नहीं खाते, यदि आप जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूँ, मैं भी तब तक यही रहूंगा जब तक आप मोदक नहीं खा लेते। और गणेश वहां बैठ गया। बैठे बैठे गणेश को नींद आ गई और वो बहुत देर तक ऐसे ही सोता रहा। थोड़ी देर बाद गणपति ने देखा कि ये लड़का तो बहुत जिद्दी है, ऐसे नहीं जाने वाला, तो गणपति वहां पर प्रकट हुए। उन्होंने जाकर गणेश को उठाया और कहा, गणेश उठो गणेश। गणेश ने गणपति को सामने देखा तो पूछा कि आप मोदक क्यों नहीं खा रहे। इस पर गणपति ने कहा, क्या तुम मेरे साथ मोदक खाओगे? गणेश ने कहा, हाँ, लेकिन आप मेरे पिताजी को बताओगे तो नहीं? गणपति ने कहा, नहीं। और दोनों ने मिलकर मोदक खाए। मोदक खाते खाते गणपति ने गणेश से पूछा कि तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो? इस पर गणेश ने जवाब दिया कि मैं भी अपने पिता की तरह विद्वान और धनवान बनना चाहता हूँ। गणपति ने गणेश के सामने दो प्याले रखे, एक प्याले में दही और एक प्याले में शहद। उन्होंने कहा, यदि तुम दही का प्याला पियोगे तो तुम बहुत बुद्धिमान बन जाओगे और यदि तुम शहद का प्याला पियोगे तो तुम बहुत धनवान बन जाओगे। गणेश बहुत देर तक सोचता रहा कि वो क्या करे, कभी वो दही का प्याला पीता, कभी वो दही का प्याला उठाता और कभी वो शहद का प्याला उठाता। उसने बहुत देर सोचने के बाद शहद का प्याला उठाया और उसे दही में मिला दिया और दोनों को मिलाकर वो पी गया। गणेश की इस बुद्धिमानी को देखकर गणपति बहुत खुश हुए। उन्होंने गणेश को आशीर्वाद दिया कि तुम भी अपने पिता की तरह एक बड़े पंडित और धनवान बनोगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हर मुश्किल में समझदारी और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। किसी भी परिस्थिति या किसी भी समय को देखकर घबराना नहीं चाहिए। यही सीख हमें गणपति से भी मिलती है। जय गणपति बप्पा। ओम गं गणपतये।